सामान सामान मैंने गाड़ी में शिफ्ट करना है। इस टाइम नाश्ता मिल जाए, उसका पराठा यम है बहुत। ये वो चढ़ाइए है, और ये सलाम वालेकुम, गुड टू सी यू ऑल हियर अगेन। ओके लेट्स गो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो जी आपका भाई आज जा रहा है अपने होम टाउन। बड़ी गर्मी है बहुत, मैंने तो ऊपर ब्लैक पहन लिया और गर्मी लगने लग गई है। सामान रखते हैं गाड़ी के अंदर और निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है बकरीद आने वाली है तो घर जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि घर में हर चीज़ वाइंड अप हो चुकी है। तो नाश्ता कहीं बाहर करेंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे आज अपनी ट्रैवलिंग। गाड़ी में सामान रखते हैं, बाकी अपनी एक्टिविटी करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मेरी जिम्मेदारी में है ये सामान सामान मैंने गाड़ी में शिफ्ट करना है, और ये चप्पल तो वैसे पड़ा, ये नहीं शिफ्ट करना। और बकाया भी थोड़ा सामान है वो भी दिखाता हूँ, वो नीचे भी है। ये कोई रिश्तेदार है आपको पता है, उनका भी सामान लेकर जाना है, तो उनका भी सामान ले जाएंगे, अपना भी सामान लेकर जाएंगे, बाकी लेट ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे दिन के 2 बज रहे हैं। तो सामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं अपने सफर के लिए। ये सारा शिफ्ट करना है, ये सारा मेरा नहीं है, कुछ रिश्तेदार भी हैं उनका भी है, तो काफ़ी ज़्यादा सामान है। ऑप्शो इस बूट के अंदर आ जाए। फाइनली हम 3 बजे निकल रहे हैं, अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं, लेकिन भूख शदीद लगी हुई है। हमने सोचा पहले कुछ खा लें थोड़ा सा, चलो इतना लेट हो रहा, थोड़ा और लेट हो जाते हैं, तो यहाँ से कोई नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। 3 बजे हम नाश्ता करेंगे। असल में घर में हर चीज़ वाइंड अप थी, तो हमने कहा अब घर में फिर पकाना, फिर धोना, और फिर वो एक लंबा ही सीन होता है। तो अभी इधर से नाश्ता करते हैं चाय खाना से, और इंशाल्लाह फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओप्सो में इस टाइम नाश्ता मिल जाए, अंदर चलते हैं। दारू जितनी दारू की हालत गर्मी से बुरी हो चुकी है, तो जब भी नींद से उठी है तो हमारी थोड़ी सी तबीयत टाइट है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है, मतलब काफ़ी पीसफुल है, फैमिली यहाँ पर आके एंजॉय करती हैं। देखिए हमारी छोटी सी वेटर, आपने चेक की है, ये हमारे लिए ऐसे चम्मच और चीज़ें जोड़ दी है। ये अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो ये सब कुछ ना नरम भरम होगा। देखिए चम्मच कहाँ जा रहा है, ये हम लीजिए अपने थोड़ा डी खान दारू। हमारा नाश्ता आ गया, और मैंने आलू का पराठा मंगवाया, मेरी वाइफ ने फ्रेंच टोस्ट मंगवाए हैं, तो हमारे जूस तो लत्ती आनी है, तो हम जल्दी उसको शुरू करते हैं, और ताकि हमने निकलना भी है ना, लेट ना हो जाए। आलू का पराठा यम है, बहुत बेहतरीन, लत्ती क्या ही बात है। मेरी बेगम जरा टाइप है तो वो इंग्लिश ट्राई कर रही है। फ्रेंच टोस्ट मेरे आलू के पराठे से ज़्यादा मजे का नहीं है। ये देती पराठा बेहतरीन नाश्ता। तो जी चाहे खाने का नाश्ता आ करेगा ना, काफी फ्रेश होता है, काफी टेस्टी होता है। मुझे तो उनके पराठे और लस्सी की क्या ही बात थी, इनकी कॉम्बिनेशन हो जाए तो मैं कहता हूँ इससे कुछ भी नहीं मिलता। फिर पे करते हैं, हमने सफर शुरू करते हैं क्योंकि लंबा सफर है, और शाम से पहले कोशिश पूरी है कि पहुँच जाए। 2 hours later आपका भैया भी आया, ये मैंने कोई जीन्स ली थी जो मुझे सही से आ नहीं रही, तो मैंने कहा ये भी चेंज करवा लूँ इसी हाथों, तो फिर ऐसे रह जाएगा और फिर रह ही जाएगी। तो इसको चेंज करवाने के लिए मैं आया अमेजोन मॉल में। तो ये लिफ्ट से हम निकले बाहर, सेकंड फ्लोर हॉक एंड वेयर, यहाँ से मैं लेता होता हूँ और यहाँ किसी देखते हैं ये चेंज हो जाएगी एक्सचेंज। ये जीन्स है, ये वाला कलर मैंने लिया था, ये एक्सचेंज करवा लिए, और काफ़ी टाइम लग गया उनको चेक करने में कि इसमें साइज़ है कि नहीं है। साइज़ का बड़ा इशू हो जाता है, किसी ब्रांड की साइज़ डिफरेंट होती है, किसी ब्रांड की साइज़ डिफरेंट होती है। तो बस लिफ्ट मंगवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। निकलने के लिए ये पूरी पहाड़ी है, ये हमें क्रॉस करनी पड़ेगी। गाड़ी यहाँ है, मेरी फैमिली अंदर बैठी थी, वो सामान सामान रखते हैं पीछे, और चलते हैं जल्दी से। Are you sleeping?
ये वो चढ़ाइयाँ जो हमने चढ़नी है, और ये पूरा एक पहाड़ है इससे निकलना, क्योंकि हम दो फ्लोर नीचे थे ये पार्किंग, तो दो फ्लोर की पहाड़ी हमें क्रॉस करनी पड़ी है। यहाँ से ये हम हो रहे हैं चेकआउट, तो हमें लंबा वो मारना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। यहाँ से अब हमारा सफर शुरू हो रहा है मोटरवे का, तो सामने दो मोटरवेज हैं, एक पेशावर है और दूसरा है लाहौर, तो हमें पेशावर की तरफ मूव करना है, तो वहाँ हम पेशावर के बोर्ड की तरफ हम टर्न करेंगे अभी तो सीधी। यहाँ मोटरवे पे इतना रश है गाड़ियों का कि ना पूछे, पीछे हम बड़ी देर हमने ट्रैफिक जैम रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली है, गर्मी शिद्दत इतहा, ऊपर से ये गाड़ियों का रश चेक करें आ रही मोटरवे पे आपको। इस एरिया में फिर भी कम है, उधर बहुत ज़्यादा है। थोड़ा यहाँ पे कुछ सामान शामान लेते हैं, कुछ खाने पीने का, क्योंकि आगे फिर कोई शॉप नहीं है, तो फिर हमें मुश्किल होगी वहाँ से लेते हैं। दारू ने अपनी चीज़ें संभाल ली हैं, ये क्या है, ये स्लिंटी अभी नहीं, गाड़ी में जाके खोलते हैं, ये फ्रिस्की लेते हैं, बाकी भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, और हमें और क्या लेना चाहिए। आ जाए वही तरह फ्रिस्की, आज चले आज कर कौन। हम रुके हैं यहाँ पे मेवाली के करीब, तो यहाँ पे क्या ही मौसम है और क्या ही व्यू है मैं बता नहीं सकता, बहुत ही सामने ये देखें बादल, ऊपर बाहर है बारिश वाले बादल और सामने वहाँ धूप। तो ये कुछ सामान लेना था, थोड़ा रेस्ट शेस्ट भी करते हैं यहाँ पे, थोड़ा स्टे करते हैं फिर निकलते हैं। दारू कहाँ जा रही हो दारू, खुशी चेक करें, ये मेरे बेटे की। ये भी ये क्या ही मौसम है यहाँ पे, और ऊपर बादल आ गए हैं, सामने सूरज है, और ये दारू भी है, और इतना रश है यहाँ पे कि ना पूछे। हाँ बस बस दारू पर चले बाबू चले आगे। आप खुशी बात चेक करें, दारू मेरी तरफ देखें, कहा किस चीज की खुशी है आपको, दारू क्या चले वहाँ मम्मी की बात जाए। यहाँ पर ये टायर ब्रस्ट हो चुका है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इसकी हालत इसके अंदर बिल्कुल, मैं तकरीबन 120 की स्पीड में था और ये ब्रस्ट हुआ, थैंक गॉड पीछे वाला था, अल्लाह ने बचाया, और थैंक टू दिस भाई, और ये भी आ गए। अभी बिल्कुल अंधेरा है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खामोश, कोई गाड़ी नहीं है, बहुत सुनसान, लेकिन ये भाई थैंक गॉड आ गए, हेल्प हो गई और बचत हो गई, अल्लाह ने बचा लिया। घर से आखिरकार घर पहुंच गए हैं खैर खैरियत अफियत के साथ, और काफ़ी मुश्किल था रास्ता और कुछ मुश्किलें भी आई, लेकिन थैंक गॉड हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं घर, और होप सो आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए दिन नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए खुदा हाफिज़।